नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हरिद्वार निवासी वंदना कटारिया के प्रदर्शन की काफी तारीफ की है। इससे वंदना के घर परिवार और हरिद्वार जिले के साथ ही पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। इंटरनेट मीडिया पर वंदना को बधाइयां देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बता दें, वंदना की माँ सोरण देवी, भाई पंकज शेखर लाखन ने कहा है कि ये उनके लिए गर्व की बात है। देश की बेटी ने उनके साथ साथ देश का मान बढ़ाया है। माँ सोरण देवी ने कहा कि आज अगर वंदना के पिता जीवित होते तो उनकी खुशी का ठिकाना ना होता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी खिलाड़ियों से बातचीत की पहल और सभी का हौसला अफजाई हुई है। तो बता दें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक में खेल रही भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं और लगातार उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार की रहने वाली वंदना कटारिया की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है, जिसके बाद से परिवार, शहर और पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित कार्यालय में हवन पूजन किया। धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा स्थित दफ्तर पहुंचे हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने कहा कि मुख्य सेवक के तौर पर पहली बार विधानसभा कार्यालय आया हूँ, शहीदों को नमन करता हूँ, जनता को नमन करता हूँ, आशा आशंका और सपनों को पूरा करूंगा, साथ ही शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण करूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा अर्चना कर शासकीय कार्य शुरू किया। बता दें, मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय, गणेश जोशी, यतीश आनंद, विधायक राजेश शुक्ला, चंदन राम दास, प्रणव चैंपियन और समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला उद्धम सिंह नगर में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किए जाने वाली जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया जाएगा। इसका प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में आएगा। उन्होंने शक्ति फार्म में उप तहसील बनाए जाने की भी घोषणा की। बता दें, बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री से सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आए लोगों ने भेंट की थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्रियों को अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया था। साथ ही शक्ति फार्म में निवासियों की प्रमुख मांग थी कि विस्थापित बंगाली समाज के को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटा दिया जाए और इसकी कई सालों से मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शक्ति फार्म में उप तहसील की स्थापना की भी मांग रखी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापित बंगाली समाज के लोगों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने के लिए प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जाएगा। साथ ही क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने शक्ति फार्म में उप तहसील खेले जाने की भी घोषणा की है। साथ ही क्षेत्रीय लोगों के से अनुरोध पर भी मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही शक्ति फार्म का भ्रमण करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही विधायक सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्र की कई जन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर बता दें, विधायक लोहाघाट पूरन सिंह और सचिव एल फेन्नाई सहित कई अन्य अधिकारी और सितारगंज क्षेत्र के लोग भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य गठन से साल 2017 तक 17 सालों में राज्य 614 करोड़ से ज्यादा रुपए के कार्यों की स्वीकृतियां भारत सरकार से मिली हैं। वर्तमान सरकार के कार्यालय में सीआरएफ के अंतर्गत कई कार्यों के लिए 508 से ज्यादा करोड़ की स्वीकृति के कार्य गतिमान हैं। साथ ही सीआरएफ में वर्तमान सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 1124 से ज्यादा करोड़ की स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। बता दें, भारत सरकार के इस अतुलनीय सहयोग से सड़क निर्माण के कार्य बिना रुके तेजी से चलेंगे और मार्ग जनमानस के आवागमन के लिए भी सुलभ और आरामदायक होंगे।
मोदी जी जब तब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अभी तक जो उनके 7 वर्षों का लगभग कार्यकाल हो गया है, इन 7 वर्षों में बहुत ही मैं कहूँ कि अभूतपूर्व काम उत्तराखंड राज्य के लिए हुए हैं। उसमें से मैं कई बार आप सब लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज औपचारिक रूप से चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ऑल वेदर रोड हैं, उसमें कई हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर स्वीकृति हुई है, उसमें काम चल रहा है। इसी तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट, उसमें भी पूरे प्रदेश के कोने कोने तक और राज्य के सुदूर स्थानों तक जो है, और बड़े बड़े मार्ग नेशनल हाईवे जिस तरीके से बने हैं वो पहले कभी नहीं बने थे, और इन 7 वर्षों में ही इन पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है, और कुछ तो पूरी भी हो गई हैं और कुछ पूरी होने के कगार पर हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान युवाओं को रोजगार देने के मामले पर बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें, रविंद्र जुगरान ने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार युवाओं को पूरी तरह से रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के काम किए, जबकि युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटकते रहे, और 2017 के विधानसभा चुनावों में युवाओं का रोजगार के वादे को लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई थी, और 6 महीने के अंदर ही सभी रिक्त पदों को भरने के साथ नए पदों के सृजन का भी दावा किया था। लेकिन पिछले 4.5 सालों में दोनों मुख्यमंत्रियों ने युवाओं को सिवाय झुंझुना देने के कुछ और नहीं दिया है। प्रचंड बहुमत की सरकार ने 4.5 वर्षों में, पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों ने हर वर्ष ये कहा कि हम इस वर्ष को रोजगार वर्ष मना रहे हैं, लेकिन 4.5 वर्षों में 1,000 विज्ञप्ति भी नहीं निकली। 50,000 पद रिक्त हैं समूह ग घ और इससे नीचे के। पीसीएस की परीक्षा 5 साल से नहीं करा पा रहे हो, विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। 2016 के बाद से विज्ञप्ति नहीं निकली। जो सीएमआई के मानक हैं, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में बेरोजगारी 5 गुना अधिक बढ़ गई है। आपने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा जो 1218 लोगों की होनी थी, 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया, 1 लाख ने क्या कहते हैं परीक्षा दी, उसका रिजल्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आज तक नहीं निकला। नर्सिंग परीक्षा 3 बार आपने स्थगित करा दी, 3 बार आपने नियमावली में चेंजेस कर दिए। आप कर क्या रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ रोजगार के विषय पर छलावा किया है। देहरादून में राज्य हाईकोर्ट की तरफ से वन विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बता दें, वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि विभाग में रिक्त पदों को अभी तक भरा नहीं गया है, और ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्ती का नतीजा है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड के 1300 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में ही 4 साल का लंबा वक्त लग गया है। वन मंत्री ने कहा कि अगर पुलिस की तर्ज पर जिला स्तर में भर्ती प्रक्रिया को करने की अनुमति मिल जाए तो फिर विभाग में ज्यादातर रिक्त पद भरे जा सकते हैं। आपको बता दें कि वन विभाग में अभी भी वन सेवाओं के कई पदों के सपापेक्ष 65% पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें जल्द भरने का निर्देश राज्य हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन आज भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से विभाग के भेजे गए अधियाचना के सापेक्ष कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। टीकाकरण में हो रहे पक्षपात को लेकर आज अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष लाल चंद्र शर्मा, कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। बता दें, ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते देश की दशा बहुत ही दुखद स्थिति में है, और टीकाकरण में कमी होने की वजह से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस में भी बहुतों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे, जिस
वजह से टीकाकरण बहुत ही धीमी गति से हो रहा है और अधिकतर 18 से 44 साल तक की आयु वाले वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि टीकाकरण में भी पक्षपात किया जा रहा है जो कि निंदनीय है और बीजेपी के पार्षदों को वैक्सीनेशन कैंप लगाने की अनुमति प्रदान की जा रही है लेकिन कई पार्षदों को वैक्सीनेशन कैंप लगवाने की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है जो कि भ्रष्टाचार से कम नहीं है और अपना प्रचार करने के लिए वैक्सीनेशन कैंपों में बीजेपी पार्टी के बैनर लगाए जा रहे हैं और कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं जो कि संवैधानिक नहीं है और बैनर और टोकन हटाए जाने पर पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि हजारों लोग रोजाना टीकाकरण शिविर में आवेदन कर अपनी बारी का इंतजार करते हैं लेकिन कुछ लोगों को उनसे पहले बिना आवेदन के टीका ही लगा दिया जाता है और इसी के साथ ही टीकाकरण प्रक्रिया को और सरल किया जाए और इसी के साथ ही वैक्सीन की भारी कमी से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिस वजह से सभी वार्डो में वैक्सीनेशन कैंप लगवाने की आवश्यकता है और शिविरों में पुलिस लगाई जाए ताकि पुलिस की निगरानी में ठीक तरह से काम किया जा सके। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होने के एक साल पूरे होने के उपलक्ष में भगत सिंह चौक पर 108 दीपक प्रज्वलित किए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए। बता दें कि बीते 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखकर काम शुरू किया गया था। राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुए एक साल पूरा होने पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राम दरबार के पास 108 दीपक प्रज्वलित किए और प्रभु श्री राम के जयकारे भी लगाए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है जिसके निर्माण के एक साल पूरे होने पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट और ऊर्जावान होने की अपील भी की है। देश का हिंदू संघर्षरत रहा है कि जहां भगवान राम ने जन्म लिया है वहां पर राम का मंदिर बनना चाहिए। बहुत सारे आंदोलन देश में हुए, बहुत सारे कार्य सेविकों ने अपनी जाने दी और उसका परिणाम ये हुआ कि 20 अगस्त 2020 में भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। आज भूमि पूजन को एक वर्ष पूर्ण हुआ है। इस उपलक्ष्य में देश भर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित विभिन्न प्रारूपों में चल रहा है हिंदू समाज को आह्वान्वित करके। उसी श्रृंखला में आज भाजपुर के मुख्य चौक पर भगत सिंह चौक पर 108 दिए प्रज्वलित करके भगवान राम दरबार के समक्ष इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और हिंदू समाज को संगठित और एकजुट और ऊर्जावान होने का आह्वान किया गया है। खबर चिड़ियापुर के कोटद्वार बाईपास से है जहां कोविड 19 के टेस्ट में लापरवाही का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि महाकुंभ 2021 में हुए कोविड 19 टेस्ट की जांच में हुए फर्जीवाड़े की जांच अभी तक पूरी भी नहीं हुई है। वहीं कावड़ यात्रा के दौरान सील की गई सीमाओं पर लगाए गए कोविड जांच कैंप में बड़ी लापरवाही का नजारा देखने के लिए मिला है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही महामारी के किसी बड़े खतरे को निमंत्रण देती और फर्जीवाड़े की ओर इशारा करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोटद्वार बाईपास पर कावड़ यात्रा के दौरान सील की गई सीमा पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड 19 जांच के लिए कैंप भी लगाया गया था जिसमें कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी बिना किसी सेफ्टी, बिना सैनिटाइजर, बिना पीपी किट के ही जांच करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम स्वास्थ्य कर्मियों के पास नहीं है। ऐसे में ये स्वास्थ्य कर्मी खुद तो संक्रमित होंगे ही साथ में आने वाले यात्रियों को भी संक्रमित करने का काम कर रहे हैं और आने वाले यात्रियों में कई यात्रियों का कहना है और आरोप है कि बिना जांच के ही पैसे लेकर नेगेटिव रिपोर्ट बनाई जा रही है। बता दें महाकुंभ 2021 के बाद ये नजारा देखकर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के एक और बड़े फर्जीवाड़े का प्रमाण पत्र देता नजर आ रहा है और अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर कोई जांच बैठाकर कार्रवाई करता है या सिर्फ इस मामले की लीपापोती कर इस मामले को यहीं दबा दिया जाएगा।
रुड़की के मंगलौर एफसीआई गोदाम में कवरेज करने गए पत्रकार के साथ गोदाम में तैनात लेडी कर्मचारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मोबाइल फोन जमीन पर पटक दिया। आरोप है कि लेडी अधिकारी से बार बार पत्रकार बताने पर भी लेडी दबंग कर्मचारी ने पत्रकार को अपशब्द कहे और बाहर निकलने दिया। साथ ही स्थानीय पत्रकारों को जब इस बात की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंच गए, जहां पर गोदाम के बाहर भारी संख्या में पत्रकार दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। वहीं पत्रकार के साथ हुई अभद्रता की सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गोदाम के बाहर पत्रकारों संग धरने पर बैठ गए। वहीं पत्रकारों की मांग है कि ऐसे कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल मंगलौर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। टिहरी में जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने विकास खंड चंपा के अंतर्गत ग्राम बुडोगी और जड़धार गांव पहुंचकर नेपियर, घास, अन्य चार पत्ती और फलदार पौधों का रोपण और काश्तकारों को कृषि यंत्रों का वितरण किया। जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और काश्तकारों की आर्थिकी में वृद्धि के लिए जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने मुख्य कृषि अधिकारी को नेपियर घास की नर्सरी तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत नर्सरी में तैयार नेपियर घास का सभी 9 विकास खंडों में कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि पर रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें, जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय के नजदीक बुडोगी गांव में कृषि विभाग की तरफ से आयोजित पौधारोपण और कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने टिश्यू कल्चर से तैयार नेपियर घास, अंजीर, सैतूत, बामोरा की पौधे का भी रोपण किया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने गाँव के काश्तकारों को कृषि यंत्रों का भी वितरण किया। ये इस बार जनपद में प्रथम बार नेपियर ग्रास की के नर्सरी बनाए गए हैं। करीब 94 हेक्टेयर में सभी ब्लॉक्स में बनाए गए और अब उनको नर्सरी बन जाने के बाद अब उनको खेतों में रोपण किया जा रहा है। अगले 2-3 साल में इसका विस्तार बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। नेपियर ग्रास इतनी फायदेमंद ग्रास है, घास है कि इसका एक पोटेंशियल है कि महिलाएँ, जो हम बहुत ही ज़्यादा अपने स्टेट में सुनते हैं कि वो जंगल में जाती हैं, कई बार भालू ने, गुलदार ने हमला कर दिया, पहाड़ से गिर करके मर गए, तो वैसी कैजुअलिटी महिलाओं के साथ होती है, तो इसका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकल्प है, क्योंकि नेपियर ग्रास लोग अपने खेतों की मेड़ों में, बंजर लैंड में लगा सकते हैं। इस घास का प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, तो जो पशु इसको खाएंगे, एक तो उनको कहीं फिर इधर उधर पशुओं को चराने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं पर वो घास उनको दे सकते हैं अपने ही खेतों की मेड़ों से तोड़ करके। और दूसरा इसका फायदा यह है कि अगर प्रोटीन कंटेंट चूंकि इसमें बहुत ज्यादा है, तो पशुओं का जो चाहे वो प्रोडक्शन दूध का है, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो पशुपालन के लिए ये एक क्रांतिकारी स्टेप इसको कह सकते हैं, जो जनपद में स्टार्ट किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे इसका प्रदेश में विस्तार होगा, तो पशुपालन के क्षेत्र में काफी क्रांति आएगी। और पशुपालन ही नहीं, जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी अगर हम देखें, जो महिलाओं को घास के बोझ तले वो दबे रहते हैं, तो उनमें भी बहुत बड़ी क्रांति आई। उत्तराखंड में 11 ग्राम पंचायतों के 13,000 से 15,000 की जनसंख्या के बीच इकलौते महत्वपूर्ण चिकित्सालय बछेली खाल की स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक चिकित्सालय में डॉक्टर दीक्षा शर्मा, फार्मासिस्ट विपिन कुमार और वार्ड बॉय देवेंद्र प्रसाद सहित 3 कर्मचारी तैनात हैं, जबकि काफी समय पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके सफाई कर्मचारी की जगह पर अभी तक तैनाती नहीं की गई है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट कभी कभार ही अस्पताल में दिखते हैं और वार्ड बॉय देवेंद्र प्रसाद ही पूरे चिकित्सालय का कार्यभार थामे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड प्रदेश प्रधान संगठन की प्रांतीय प्रवक्ता और ग्राम पंचायत कुंड की प्रधान और स्थानीय निवासी पुष्पा रावत ने चिकित्सालय की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चिकित्सालय को केवल एक वार्ड बॉय चला रहा है, जो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की सुधार का ढोल पीट रही प्रदेश सरकार के मुंह पर भी एक तमाचा है। आपको बता दें कि हाजिरी रजिस्टर से साफ पता चलता है कि कई दिनों से डॉक्टर और फार्मासिस्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं। अस्पताल में डॉक्टर और फार्मासिस्ट के अक्सर नदारद रहने की शिकायत जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी राकेश कुमार नौटियाल से भी की गई है, जिस पर उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की बात की है। कल मेरे को सूचना मिली है वहां पर से
कि डॉक्टर वहाँ पे है दीक्षा शर्मा और फार्मासिस्ट है कोई बुटोला लड़का है बिपिन। तो मैं जब आप मेरे को ये सूचना मिली है कि यहाँ पे दोनों नहीं है, बड़ोनी से बाहर तब मेरी बात हुई थी, तो मैंने दोनों को बड़ोनी से पूछ के पता चला कि उनके डॉक्टर की तो अभी पता चला कि बच्चे की तबीयत ख़राब थी, मैंने उससे टेलीफोन पर बात की थी, और फार्मासिस्ट का कल स्विच ऑफ था। तो मैं आज उनका स्पष्टीकरण करके और मैं अग्रिम आदेश जो आगे कार्रवाई होगी तो जो उनके अगर स्पष्टीकरण प्रमाणिक नहीं हुआ तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा, लिखूंगा उसमें और वेतन रोकूंगा, मैं उनका अग्रिम कार्रवाई था जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। रही औषधियों के बाद तो औषधियाँ अभी मैं खुद भी एक दिन विजिट पर गया था तो मैंने औषधि भी वहाँ पर्याप्त औषधियाँ हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं कि आप इस तरीके की चीज़ें उजागर कर रहे हैं। ये देखिए कि बहुत बहुत ख़राब चीज़ लगती है कि सिस्टम अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, डॉक्टर का काम वार्ड बॉय कर रहा है, एक फार्मिस्ट कर रहा है ना। तो आप ये लगा लीजिए कि कहाँ खड़े हैं हम, कौन से ढांचे की बात करते हैं हम कौन सा ढांचा लेकर चल रहे हैं कि एक डॉक्टर का काम जो है वो एक एनएम करेगी, एनएम का काम आशा करेगी, वार्ड बॉय करेगा डॉक्टर का काम, अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते, ऋषिकेश में बैठे बैठे अपना ड्यूटी निभाना चाहते हैं। तो ये बहुत दुख होता है कि ऐसे पढ़े लिखे इतनी डॉक्टर जो है एजुकेटेड, बहुत हायर एजुकेटेड देश में एक हायर एजुकेटेड एजुकेशन मानी जाती है डॉक्टर की, जब डॉक्टर इस तरीके से गद्दारी करेंगे जनता के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफी। कुछ तो हमें नेताओं ने मार दिया, कुछ ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टरों ने मार दिया। तो मैं वही बता रही हूँ कि ये जो डॉक्टर, ये जो अस्पताल बना रखे हैं, ये जो स्वास्थ्य केंद्र बना रखे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो है ये कालाबाजारी है, सरासर कालाबाजारी है। ये लोग जो सिर्फ अपना तनख्वाह लेते हैं और जनता को वही है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में 55 किलोमीटर दूर अपने 1500-2000 रुपए लगाकर जाना पड़ता है, कहीं कहीं जगह तो 3000 और 4000 की भी बुकिंग होती होगी किलोमीटर अगर बढ़ जाता है तो ये स्वास्थ्य का तो बहुत ही बुरा हाल है, ये पूरा उत्तराखंड जानता है। और बहुत दुख लगता है कि इसमें विधायक और मंत्री जो लोग हैं चुप बैठे हुए, शांत बैठे हुए, जिनको जनता ने जो है सदन में भेजा है, विधानसभा में भेजा है कि वो बेसिक सुविधाएं कम से कम स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ये जो बेसिक सुविधाएं हैं इस पे अगर हमने काम कर लिया तो मुझे लगता है कि हमारा राजनीतिक जीवन सफल हो जाएगा, और वही जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं। हल्द्वानी जेल में बीते 6 मार्च को हुई कैदी की मौत के मामले में सीबीआई की 8 सदस्य टीम जेल में पूछताछ कर रही है। बता दें सीबीआई की टीम हल्द्वानी जेल पहुंची, जहां पर करीब 4 घंटे तक उन्होंने पूछताछ की। सीबीआई की टीम आज दिन से ही जेल के अंदर मौजूद है और मामले के मुताबिक काशीपुर का रहने वाला एक आरोपी हल्द्वानी जेल में बंद था, जिसकी 6 मार्च 2021 को मौत हो गई थी। वही मृतक की पत्नी के आरोपों पर अदालत ने जेल के बंदी रक्षकों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद मामले की सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट में हुई और हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच तेजी से चल रही है, जिसके चलते सीबीआई की टीम हल्द्वानी जेल पहुंची और लगातार जेल में पूछताछ कर रही है। अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।